वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम अपने कंक्लूडिंग वीडियो सेशंस की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर नाउन नंबर्स का ये थर्ड एंड कंक्लूडिंग वीडियो है। अब आपके सामने बोर्ड पर वो सारे फॉर्म्स हैं जिसके अंदर ना आपको एस लगाना है, ना आपको किसी प्रकार से कोई वर्ड को चेंज करना है, बल्कि अपने ही अंदर उनमें घुमाव होगा। That is the, एक वॉवल निकलेगा और उसकी जगह पर दूसरा वॉवल आ जाएगा, या जो पूरा एक वर्ड है उस वर्ड में से कहीं एक जगह हम एस लगा देंगे और दूसरी जगह नहीं लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे वो सारे वर्ड्स, ये तो बहुत कम लिखे हैं मैंने क्लास, ऐसे बहुत से वर्ड हैं इंग्लिश में जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एक ही है, that is they are said in the same sense। अगर आप एक के लिए भी बात करो तो भी वही वर्ड है, और अगर आप many के लिए बात करो तो भी वही वर्ड। So let us begin। Plural form by changing internal vowels। अब आपको मैंने बहुत बार समझा दिया है कि vowels का मतलब क्या होता है, a e i o u, ये पांच alphabets English grammar में vowels के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, women, अब w o m a n, तो इस a वाले वोवल को हम रिप्लेस कर देंगे e के साथ और ये बन जाएगा women। वो मन नहीं होता है, women या women, ठीक। नेक्स्ट है आपका tooth, t double o t h, तो double o means वोवल o o, हम उसको रिप्लेस कर देंगे ई के साथ और ये बन जाएगा आपका टीथ। टूथ मींस वन, एक दांत, और टीथ मींस मेनी, यानी कि दो या दो से ज्यादा। फिर है आपका माउस, माउस मतलब कि एक छोटा सा, अब इसको हम कर देंगे माइक्स, यानी कि बहुत सारा, तो ओ और यू को हटाकर हमने आई के साथ रिप्लेस कर दिया, या यू कहें तो माउस में से हमने ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ये ओ यू हमने निकाल लिया है और उसकी जगह पर आई सी लगा दिया है, जैसा भी आप समझना चाहें। अब आपके पास है नेक्स्ट वो वर्ड्स जिसके एंड में हम ई एन लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्स, ऑक्स के साथ ई एन लगा देंगे तो बन जाएगा ऑक्सन, यानी बहुत सारे। चाइल्ड, चाइल्ड के साथ ई एन लगा देंगे तो बन जाएगा चिल्ड्रन, यानी कि बहुत सारे। और मैन, जैसा ही मैंने आपको ऊपर बताया, जब खाली एक ए रहता है तो दैट इज सिंगुलर, मैन में जब ए रहता है तो इट इज सिंगुलर, और जब एम ई एन हो जाता है तो वो बन जाता है मेनी, और मेनी का मतलब ही होता है बहुत सारे, मेनी। फिर है आपका बेटा कंपाउंड वर्ड्स के साथ, यानी कि दो वर्ड्स को जॉइन करके एक वर्ड बन रहा है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ। अब आप सोचो ब्रदर इन लॉ में किसके साथ एस लगाया जा सकता है, इन्स के साथ लगाओ, लॉस के साथ लगाओ, नहीं ना, किसके साथ, ब्रदर के साथ, तो आपका बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। फिर है ग्रैंडफादर, तो क्या ग्रैंड्स फादर बोलेंगे, नहीं ना, तो फादर हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म बता सकते हैं, सो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रैंड फादर्स। ठीक वैसे ही है क्लोज अप, क्लोज अप का मतलब होता है जब कैमरा एकदम नजदीक आ जाता है आपके, तो एकदम इतना सा ही फेस दिखता है, इसको क्लोज अप कहते हैं, करेक्ट। तो अब है वो क्लोज अप्स, यानी कि एस लगा दिया अप के साथ। और पासर बाय, पासर बाय का मतलब रोड पे चलते, राह में चलते कोई भी आम मुसाफिर या लोग, तो उनके साथ लगा दिया एस तो बन गया पासर्स बाय, क्लियर। और लास्ट और फाइनल है बेटा ये सभी वर्ड्स, और इसके आगे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनका कोई सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं बताया गया है, बिकॉज अगर ये सिंगल है तो भी यही शब्द का इस्तेमाल होगा, और अगर ये प्लूरल फॉर्म में जा रहे हैं तो भी यही शब्द का इस्तेमाल। जैसे कि डियर, आपने अगर एक डियर देखा तो भी आप क्या बोलोगे, आई सॉ अ डियर। अगर आपने 1000 डियर देखे तो भी आप क्या बोलोगे, आई सॉ मेनी डियर, आप ये नहीं बोलोगे आई सॉ मेनी डियर्स, गलत। फॉर एग्जाम्पल शीप, एक है
तो भी एक शीप ही बोलोगे और एक से ज्यादा है तो भी शीप शीप्स नहीं होता है। नेक्स्ट डाइस, डाइस समझते हैं ना आप लोग, पासा, हम लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें पासे का जो इस्तेमाल होता है उसे डाइस कहते हैं। तो डाइस डाइसिस नहीं होता है डाइस। वैसे ही बाइसन, बाइसन एक जंगली जानवर है जो अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, huge, tall and very well built. बाहुबली one picture आपने देखी होगी तो उसमें जो जानवर दिखाते हैं ना, it is as good as bison. So bison, bisons नहीं होता है। वैसे ही music, news, public, star, इनका कोई भी plural form नहीं है, या यूं कहें तो इनका singular और plural form है ही नहीं। तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने तीन अलग अलग पार्ट्स में सिंगुलर टू प्लूरल एंड प्लूरल भी कैसे बनाना है उन सबको सीखा। अब बच्चा कंक्लूड करते हुए आपको सिर्फ इतना कहना है कि कुछ वर्ड्स जो है ना वो हम लोग हमेशा पैर में देखते हैं, जैसे कि बाइनोक्यूलर। तो आप जब बाइनोक्यूलर बोलते हो ना, दूरबीन जिसको हम बोलते हैं, तो बाइनोक्यूलर के लिए हम बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं, बिकॉज वो एक और दो साथ में होता है। अब जैसे कि जीन्स, तो हम लोग जीन्स क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है? हम तो एक ही जीन खरीदते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। आप जब जीन्स बोलते हो क्योंकि उसमें दो पैर जाते हैं, इट्स अ टू पैर, आपका लेग वन लेग टू, तो दो चीजें साथ में हो गई है इसीलिए ये बन जाता है जीन्स। वैसे ही स्पेक्टिकल्स, ये सारे वर्ड्स जो है ना बच्चा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजर, तो सीजर्स बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो टू से बनता है, यानी कि जहां पे दो चीजों का साथ में कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसमें से आपने एक भी निकाल दिया तो वो चीज बेकार है। अब सीजर है, अगर उसमें से एक ब्लेड निकाल दोगे तो क्या उस आधे ब्लेड के साथ या उस एक ब्लेड के साथ आप कुछ कर सकते हो? आप जीन्स को बरोबर बीच में से, स्टैंडिंग में बीच में से काट दो तो आप क्या एक पैर में पहन के जाओगे? नहीं ना। जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज, तो शूज के लिए भी हम लोग एस क्यू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जूता को एक नहीं खरीदेगा, वो साथ में दो खरीदा जाएगा। तो जो चीजें जोड़ी से आती है या दो चीजें साथ में है तो उन्हें हम लोग एस के साथ ही बोलते हैं और इनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं है। ओके, till then, thank you.